लायंस क्लब खरगोन निमाण ने डिस्ट्रिक्ट 3233 G1 के यशस्वी और ऊर्जावान गवर्नर आदरणीय लायन यश शर्मा की आधिकारिक यात्रा का सानिध्य प्राप्त किया। गवर्नर लायन यश शर्मा रीजन चेयरपर्सन लायन विजय अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी लायन के सी खंडेलवाल के आतिथ्य में लायंस क्लब खरगोन निमाड़ की पूरी टीम उपस्थित हुई। क्लब अध्यक्ष लायन विजय मौर्य ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया एवं क्लब सचिव अंकित शर्मा ने क्लब द्वारा की गई गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान गवर्नर लायन यश शर्मा ने क्लब के द्वारा की गई सेवा गतिविधियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और वर्ष 2022-23 का इंटरनेशनल क्लब को बेस्ट मेंबरशिप बैच प्रदान किया और अधिक श्रद्धंडता के साथ लायंसवाद के सिद्धांत के अनुरूप समाज सेवा करने का संकल्प दिलवाया। गवर्नर लायन यश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में एक विशेष सेवा गतिविधि स्थानीय आस्था ग्राम ट्रस्ट के आदिवासी विद्यालय में आयोजित की गई। विद्यालय में अध्ययनरत 200 छात्र छात्राओं के बीच गवर्नर ने बच्चों को जीवन की हर विषय परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार कर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की बात कही। बच्चों ने भी अतिथियों के स्वागत में बैंड बजाकर आगवानी करी, स्वागत गीत और काव्य पाठ प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इंदौर से हमारे बीच पधारे आज के सभी मुख्य अतिथि और हमारे सबके लिए काफी गौरव का विषय है कि आज हम खरगोन की एक बहुत बड़ी संस्था, एक बहुत खूबसूरत संस्था, एक बहुत अच्छी संस्था में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये संस्था आई थिंक 1995 से रन कर रही है और मेजर अनुराधा मैडम जो है उनका नाम सर मतलब एक डिसिप्लिन के तौर पे लिया जाता था। तो सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं और लायंस क्लब खरगोन की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस खरगोन जिले को जो उन्होंने ये सौगात दी है, इसको सौगात तो नहीं बोल सकते लेकिन ये जो भगवान के रूप में हमारे सामने बैठे हैं इनके लिए ये एक बहुत अच्छा स्थान है ये जो उन्होंने करवाया और यहाँ का जो एक एक पत्थर और एक एक जो ईंट लगी हुई है वो उनके मार्गदर्शन में लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं मेजर अनुराधा मैडम को जहां भी वो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। उसके बाद इस संस्था में जो भी टीचर्स अपना श्रमदान दे रहे हैं और जो अभी जो टेका क्योंकि जॉब तो ऐसा है कि कहीं भी मिल सकती है लेकिन ये एक जॉब है जिसके साथ एक सेवा है। तो आप लोग जो सेवा कर रहे हैं शायद हम सभी तो आपकी जो काम है वो हम सबसे कहीं ऊंचा है। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस सेवा से जुड़े और खासकर इन बच्चों का रूप में आप जब भी जो हमारे द्वारा दिए गए किट से जो खेलेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो मैं सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने हमें इस कार्यक्रम को यहाँ करने का मौका दिया, एक अवसर दिया और हमारे द्वारा दिए सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर जो आवश्यकता थी उसकी बहुत ही कम समय में आपने यहाँ पर आपूर्ति करी। साथ ही साथ जो आदरणीय निवेदी मैडम ने यहाँ बच्चों के लिए बताया था उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो भी आपने आज यहाँ पर मेरे समक्ष मुहैया करवाई। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यही लायंस का मोटो है कि देयर इज ए नीड, देयर इज ए लायन। जहाँ पर अगर आवश्यकता है वहाँ पर एक लायन है। और मैडम इसका दिव्यजी मैडम इसका सिंपल सा फलसफा ये है कि ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है और जिनके ऊपर कुछ कम कृपा है तो उनका हम जितना हो सके हम मदद करें और यही हमारे लायंस की फिलोसफी है, हमारा मोटो है। जितना हो सके हम उतना सेवा के कार्य के कर सकें। बच्चे तो मेरी लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा मैं आपको बता ना दी तरफ से तो अच्छा तो जो तीनों बच्चों ने यहाँ पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करी थी बहुत ही मोटिवेशनल कविताएं थी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज सुबह ही मेरे साथ में भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ और खरगोन
खरगोन में मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ, कॉलेज मैंने किया है यहाँ पे, और खरगोन मेरी नजर कमजोरी भी है और मेरी जब भी आता हूँ यहाँ मेरी परीक्षा भी लेता है खरगोन। तो मैंने ड्राइवर साहब को बोल दिया था कि कल सुबह 7 बजे अपन को यहाँ से निकलना है। सुबह जब मैंने उनको 6:30 बजे फोन लगाया तो उन्होंने कहा सर मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, और उसके बाद में 1 घंटे तक उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। खंडेलवाल जी को मुझे और लेना था सिटी में से, मैं आउटर साइड पर रहता हूँ। काफ़ी देर बाद से मैंने कहा नहीं अब मुझे चलना चाहिए, और फिर मेरे ही कार उठाई और मैं इनके लिए चल पाया। एकदम ऑल ऑफ सडन कोई दूसरे ड्राइवर की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी, जितने भी और दूसरे जो बदली में चलते हैं, हमारे यहाँ बदली में बोलते हैं इंदौर में जो छुट्टी चलते हैं, उनको भी मैंने संपर्क करने का तो किसी ने कहा भैया मैं यहाँ हूँ, भैया मैं यहाँ हूँ। ठीक है आज तो अपनी परीक्षा है, मैं उसी ड्राइव करके आया हूँ, मतलब बहुत समय बाद इतनी लंबी ड्राइव करी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर के कभी नौका पार नहीं होती है। यही लायंस का एक डेडिकेशन है, सब युवा है, तो मैं इंस्ट्रक्शन यही गुजारिश करूँगा कि आज की मेरी यात्रा को याद रखें कि जो अपन ने कमिटमेंट किया है उसे हमको पूरा करना है चाहे कोई भी हो। आज यही एक मेरा मैसेज है, बच्चों आपको भी यही कहना है। बहुत अच्छी कविताओं से इन्होंने बताया और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ और होता रहूँगा कि हमेशा प्रयास करते रहें अपने जीवन में, अपने आप को किसी भी क्षेत्र में किसी भी फिजिकल उसमें अपने आप को कमजोर न समझें। जब ईश्वर ने कोई एक दरवाजा बंद किया है तो आप अपने अंदर वैल्यूएशन करके देखें, जरूर आप में कुछ न कुछ ऐसी दूसरी क्वालिटी होगी जो दूसरे जो सामान्य बच्चे हैं उनमें नहीं होगी। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खरगोन निमाड़ के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष विजय मोरे जी, इस संस्थान की तन मन धन से सेवा में लगी हुई आदरणीय द्विवेदी मैडम, लायंस परिवार की ही एक बेटी जो आज जनप्रतिनिधि है और हमारे बीच में सौभाग्य से है शिखा जी, जो कि राजपुर नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, मंचासी कैबिनेट में मेरा सहयोग कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव कैबिनेट सेक्रेटरी खंडेलवाल साहब, जो बोर्ड से आज सुबह से मेरे साथ यहां पर पधारे हैं, रीजन चेयरपर्सन विजय अग्रवाल जी, जोन चेयरपर्सन सैनी जी, मेरे ही परिवार के बिल्डोरे जी, लायंस परिवार के सभी सदस्यगण, और विशेष रूप से मैं उल्लेख करूंगा कि एक व्यक्ति एक बंदा जब से यहाँ पर आए एक सेवा कार्य कर रहा है, इंद्रेश भाई जो सदस्य फोटो ले रहे हैं, ये इसलिए भी बोलना जरूरी कि मेरे फोटो ले रहा हूँ ढंग से ले लेंगे। इस संस्था के सभी गुरुजन और प्यारे बच्चों, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे आपको बहुत अच्छी जगह आज यहाँ लेकर के आए हैं, और मेरी यहाँ की विजिट बहुत कम समय में तय करी और उसके बावजूद आपने एक ही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।